हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन्फिनिटी ट्रिक्स। और हम 10 आज ऐसी एनिमेटेड सीरीज के बारे में बात करने वाले हैं जो सिर्फ मैच्योर ऑडियंस के लिए ही है। मैं आपको 10 ऐसी सीरीज के बारे में बताऊंगा जिसे देखने के लिए आपको मैच्योर होना जरूरी है, क्योंकि ये कुछ कमाल की ऐसी सीरीज है जो आपको एक बार तो जरूर देखना चाहिए। और वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह ये बात कहना चाहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब चलिए ज्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पहली सीरीज नंबर 10 पे आती है पैराडाइज पीडी। ये सीरीज आई है 2018 में और ये एक एडवेंचर कॉमेडी सीरीज है जो हिंदी में भी अवेलेबल है, और इस सीरीज को आप नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं। ये सीरीज बेस्ड है कुछ पुलिस वालों के ऊपर जो एलियन के हमलों से दुनिया की रक्षा करते हैं, लेकिन वो अपने काम में बहुत ही बुरे हैं और हमेशा कुछ ना कुछ गलतियां करते रहते हैं। और इस सीरीज के हिंदी डब वर्जन में काफी गालियों का यूज किया गया है, और इसमें कुछ कुछ ऐसे सीन्स हैं जो काफी फनी हैं मगर सिर्फ एडल्ट ऑडियंस के लिए। और फिलहाल तो इसका 4 सीजन आ चुका है जिसमें टोटल 40 एपिसोड्स हैं और हर एक एपिसोड आधे आधे घंटे की है, और IMDb ने इस सीरीज को 6.8 की रेटिंग दी है। सीरीज नंबर 9 पे आती है हुप्स। ये सीरीज आई थी 2020 में और ये एक प्योरली कॉमेडी सीरीज है जिसे आप नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं। सीरीज की कहानी एक फ्रस्ट्रेटेड कोच की है जो अपने कॉलेज में कुछ बच्चों को बास्केटबॉल कोचिंग देता है, लेकिन उसका सिर इतना गर्म रहता है और इसलिए हमेशा कुछ ना कुछ वो अजीबोगरीब हरकतें करते रहता है, जैसे सबको बिना मतलब के गालियां बकना या फिर बिना मतलब के बड़बड़ करते रहना। सीरीज काफी फनी है और इसका अभी तक एक ही सीजन आया जिसमें 10 एपिसोड थे और हर एक एपिसोड आधे आधे घंटे की थी, और इस सीरीज को IMDb ने 6 की रेटिंग दी है। नेक्स्ट सीरीज नंबर 8 पे आती है इनसाइड जॉब्स। ये सीरीज आई है 2021 में और ये एक फैंटेसी कॉमेडी सीरीज है जो आपको हिंदी में नेटफ्लिक्स पे देखने को मिल जाएगी। और इस सीरीज की कहानी कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के ऊपर है, जैसे मान लीजिए दुनिया पे एलियंस का हमला हो गया या फिर रोबोट्स का हमला हो गया या फिर कोई आपकी माइंड कंट्रोल कर रहा है, उन सभी चीजों के ऊपर ये सीरीज बेस्ड है। सीरीज जितनी कॉमेडी है उतनी सीरियस भी है, और यही मिक्सचर आपको बहुत पसंद आने वाला है। और इस सीरीज का अभी तक 2 सीजन आ चुका है जिसमें टोटल 19 एपिसोड्स हैं और हर एक एपिसोड आधे आधे घंटे की है, और IMDb ने इस सीरीज को 7.7 की रेटिंग दी है। नेक्स्ट सीरीज नंबर 7 पे आती है हिट मंकी। ये सीरीज आई है 2021 में और ये एक सुपर हीरो बेस्ड सीरीज है, लेकिन ये सीरीज हिंदी में अवेलेबल नहीं है इसलिए आपको इसको इंग्लिश में हॉटस्टार पे देखना पड़ेगा। और ये सीरीज मार्वल से बिलोंग करती है, और अगर हम कॉमिक बुक में देखने जाएं तो अगर आप डेडपूल के फैन हैं तो ये सीरीज तो आपको जरूर पसंद आने वाली है, क्योंकि कॉमिक में भी हिट मंकी डेडपूल के साथ ही रहता है और उसी की तरह हरकतें करता है, जैसे सबको बुरी तरह से मारना, अजीबोगरीबी हरकतें करना, हमेशा ड्रग्स के नशे में धुत रहना, यही चीजें इस सीरीज में आपको दिखाई गई है। सीरीज का एक ही सीजन आया जिसमें 11 एपिसोड थे और हर एक एपिसोड 25 से 30 मिनट के बीच की थी, और IMDb ने इस सीरीज को 7.8 की रेटिंग दी है। सीरीज जो नंबर 6 पे आ रही है उसका नाम है बोजैक हॉर्समैन। ये सीरीज आई थी 2014 में और ये एक ब्लैक कॉमेडी सीरीज है जिसे आप नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं, लेकिन ये सीरीज हिंदी में अवेलेबल नहीं है। और ये कहानी है एक एक्टर की जो 90s के दौर में तो काफी फेमस था, लेकिन आजकल वो स्ट्रगल कर रहा है और इसलिए वो हमेशा डिप्रेस रहता है, और डिप्रेस रहने के कारण वो दिन भर दारू और दूसरे नशों में धुत रहता है। जब आप ये सीरीज को देखना शुरू करेंगे तो आपको लगेगा कि ये एक कॉमेडी सीरीज है, लेकिन आगे चलकर आपको धीरे धीरे एहसास होगा कि ये सीरीज बहुत ही डिप्रेसिंग है। बोजैक की कहानी को देखकर आपको ऐसा लगेगा कि इसके साथ थोड़ा भी अगर अच्छा हो जाए तो अच्छा होता। इस सीरीज का टोटल 7 सीजन आ चुका है जिसमें टोटल 77 एपिसोड्स हैं और हर एक एपिसोड आधे आधे घंटे की है, और IMDb ने इस सीरीज को 8.8 की रेटिंग दी है। नेक्स्ट सीरीज जो नंबर 5 पे आ रही है उसका नाम है अमेरिकन डैड। ये सीरीज आ रही है 2005 से और ये एक प्योरली कॉमेडी सीरीज है जिसे आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे देख सकते हैं, लेकिन ये सीरीज हिंदी में अवेलेबल नहीं है। और इस सीरीज की कहानी बेस करती है एक फैमिली के ऊपर जिसमें जो फादर है वो एक CIA एजेंट है, और वो अपनी फैमिली के साथ रहता है जिसमें 4 लोग रहते हैं और इसी के साथ वो अमेरिका को भी प्रोटेक्ट करता है, वो भी ढेर सारे अननेचुरल थ्रेट से, यानी कभी एलियन का हमला हो जाता है तो कभी टेररिस्ट अटैक हो जाता है, ऐसे ही बहुत सारी चीजें, और ये चीजें काफी फनी है। और इसका अभी तक 20 सीजन आ चुका है जिसमें टोटल नंबर ऑफ एपिसोड 347 है और हर एक एपिसोड 20 से 22 मिनट की बीच की है, और IMDb ने इस सीरीज को 7.4 की रेटिंग दी है। नेक्स्ट सीरीज जो नंबर 4 पे आ रही है उसका नाम है लव डेथ एंड रोबोट।
ये सीरीज हिंदी में नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है और इस सीरीज का फर्स्ट सीजन आया था 2019 में और ये एक फैंटेसी बेस्ड सीरीज है जिसके हर एक एपिसोड में आपको अलग तरह का एनिमेशन देखने को मिलेगा। यानी कुछ में आपको एनिमे टाइप का एनिमेशन देखने को मिलेगा तो कुछ में आपको कार्टून टाइप का देखने को मिलेगा और कुछ तो इतने रियलिस्टिक है जो आपको लगेगा ही नहीं कि आप एनिमेशन देख रहे हैं। सीरीज काफी फ्यूचरिस्टिक है, यानी आप जो भी सोच नहीं सकते वो सब चीजें इस सीरीज में आपको दिखाई गई है। जैसे इसका एक एपिसोड है जिसमें रोबोट वर्ल्ड को चला रहे हैं और ह्यूमंस उनके गुलाम हैं, वैसी वैसी चीजें आपको इस सीरीज में देखने को मिलेगी। और इस सीरीज का अभी तक 3 सीजन आया है जिसमें टोटल 36 एपिसोड्स हैं और हर एक एपिसोड 15 से 20 मिनट के बीच की है और IMDb ने इसे 8.4 की रेटिंग दी है। सीरीज जो नंबर 3 पे आ रही है उसका नाम है रिक एंड मॉर्टी। ये सीरीज शुरू हुई थी 2013 में और ये एक साइंस फिक्शन एडवेंचर कॉमेडी सीरीज है जिसे आप नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं, लेकिन ये सीरीज हिंदी में अवेलेबल नहीं है। ये सीरीज कमाल की है क्योंकि ये सीरीज दो लोगों के ऊपर बेस्ड है, जिसमें एक दादा है रिक जिसे आप एक पागल साइंटिस्ट बोल सकते हैं और उसी का एक पोता है मॉर्टी जो अपने दादा के साथ एडवेंचर पर निकला है। कहानी इन दोनों के ऊपर ही है कि वो कैसे कैसे अलग अलग जगहों पर एडवेंचर करते हैं और अलग अलग इन्वेंशन से दुनिया को बचाते हैं। और अगर आपने अभी तक इस सीरीज को देखा नहीं है तो जरूर देखिएगा। और इस सीरीज का अभी तक 6 सीजन आ चुका है जिसमें टोटल 77 एपिसोड्स हैं और हर एक एपिसोड 25 से 30 मिनट के बीच की है और IMDb ने इस सीरीज को 9.1 की रेटिंग दी है। नेक्स्ट सीरीज नंबर 2 पे आ रही है इनविंसिबल। ये सीरीज आई है 2021 में और ये एक सुपर हीरो बेस्ड सीरीज है जिसे आप Amazon प्राइम वीडियोस पे देख सकते हैं। और अगर आप Amazon प्राइम वीडियोस की दी बॉयज सीरीज देखे हैं तो ये सीरीज आपको जरूर पसंद आएगी क्योंकि ये एक सिमिलर टॉपिक पे बेस्ड है कि मान लीजिए आपका जो भी सुपर हीरो है वो अगर आपके लिए सुपर विलेन हो गया तो आप क्या करेंगे। लेकिन सीरीज में उसी का जो बेटा है वो दुनिया को बचाना चाहता है। अब इन दोनों में आपस में कौन जीतता है ये तो आपको इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलेगा। ये सीरीज काफी इंटरेस्टिंग है और इसका अभी तक 1 सीजन आया है जिसमें 8 एपिसोड्स हैं और हर एक एपिसोड 45 मिनट की है और इसका दूसरा सीजन का ट्रेलर भी आ चुका है। तो अगर आपने पहला सीजन देखा है तो आप ट्रेलर को चेकआउट जरूर कर सकते हैं और IMDb ने इस सीरीज को 8.7 की रेटिंग दी है। और आखिरी सीरीज नंबर 1 पे आ रही है उसका नाम है फैमिली गाय। ये सीरीज 1999 से आ रही है और ये एक कॉमेडी शो है जिसे आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे देख सकते हैं, लेकिन ये सीरीज भी हिंदी में अवेलेबल नहीं है और इस सीरीज को आप एक रैंडम सीरीज बोल सकते हैं क्योंकि किस समय इस सीरीज में क्या होगा वो किसी को पता नहीं रहता है। कहानी एक फैमिली की है जिसमें 5 लोग रहते हैं, जिसमें 5 लोग और एक कुत्ता रहता है, जिसमें एक पिता है, एक माँ है, 2 भाई और एक बहन है। और इस सीरीज को मैं रैंडम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप इस सीरीज को देखना चाहते हैं तो आप इसके कोई भी एपिसोड को कोई भी पोर्शन से देख सकते हैं, आपको जरूर पसंद आएगी ये सीरीज। सीरीज में गाली गलौज, न्यूडिटी सबको एक फनी तरह से दिखाया गया है और इसका अभी तक 21 सीजन आ चुका है जिसमें टोटल 407 एपिसोड्स हैं और हर एक एपिसोड 20 मिनट की है और IMDb ने इस सीरीज को 8.2 की रेटिंग दी है। तो दोस्तों ये थी हमारी 10 ऐसी टीवी सीरीज जिसे सिर्फ मैच्योर ऑडियंस देख सकते हैं और इन सभी सीरीज को आप अपने फैमिली के साथ तो बिल्कुल मत देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपकी फेवरेट टीवी सीरीज इनमें से कौन सी है। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।